अच्छा ये हाँ ये सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू, और इसमें हमें मालूम करना था एक डेल वाई और एक डी वाई। इसमें हमें यह बताया कि एक्स जो है वो चेंज होता है फॉर्म 3 to 3.02। इसमें अभी हम लोग करेंगे सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 3 और फिर डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, फिर हम लोग 3.02 - 3 जिसका आंसर 0.02 आता है। फिर इस पर हमें फिर अभी हमें वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो फिर हम लोग एक्स का जो है वो वैल्यू 3 थी तो वो हम लोगों ने पुट कर दी, तो ये हमारे पास 3² - 1 होता है, -1 होगा और हमारे पास 9 - 1 = 8 आएगा। फिर हमने डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, तो उसके लिए हमने स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई एंड एक्स किया, जो हमने वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास X² थी, तो उसमें हमने पुट कर डेल एक्स को पुट किया, तो ये हमारे पास एक्स प्लस डेल X² आई, और इसमें फिर हमने -1 किया। अब ये वाई जो है इस वाई को हमने यहाँ पे लिख दिया और ये हमारे पास माइनस हो गया। फिर हमने डेल वाई किया और एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर जो है वो इसी तरह ही उतार लिया, और फिर हमने माइनस जो है वो वाई की वैल्यू पुट कर दी जो कि X² - 1 थी, और इसमें फिर हमने -1 कर दिया, और फिर हमने डेल वाई जो है वो फिर हमने डेल वाई पे एक्स की वैल्यू पुट की और डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास 3 + 3 थी और 0.02 थी। ये पुट करके हमारे पास जो है डेल वाई जो है वो 0.1234 आते हैं, और डी वाई जो हमारे पास एफ डेरिवेटिव, इसका डी वाई मालूम करने का फॉर्मूला है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास जो एक्स ये जो वैल्यू है इसका हमारे पास डेरिवेटिव जो है ये 2x आता है। फिर हमें जो है इसका 2x और मल्टीप्लाई बाय डी एक्स करेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 3 थी और डी एक्स की वैल्यू 0.02 थी, और डी वाई जो है फिर हमने मालूम करा 6 को मल्टीप्लाई बाय 0.02 जिसका आंसर 0.12 आता है।